नमस्कार, मैं हूँ तृप्ति और हमारे यूट्यूब चैनल तृप्ति रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हर एक गृहिणियों का ज़्यादातर समय किचन के कामकाज में निकलता है, इसीलिए किचन से उनका गहरा रिश्ता होता है। वैसे तो महिलाएं खाना बनाने में काफ़ी माहिर होती है, लेकिन कभी कभी छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं आप सबों की परेशानी थोड़ा कम करने के लिए कुछ कुकिंग टिप्स देंगे जो कि आपके किचन के काम को आसान बना देंगे। तो चलिए जानते हैं किचन के काम को आसान और टेस्टी खाना पकाने के कुछ आसान टिप्स। टिप्स नंबर वन, सबसे पहले हम जब भी घर में दूध से पनीर बनाते हैं, पनीर बनाने के अक्सर दूध वाला पानी बच जाता है, जिससे अगर आप आटा गूंथेंगे तो पराठे काफ़ी टेस्टी बनेंगे और मुलायम भी बनेंगे। टिप्स नंबर टू, अगर आप घर पे लौकी का हलवा बना रहे हैं तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मलाई डाल के भूने तो लौकी के हलवे का जो टेस्ट है वो दुगना बढ़ जाएंगे। टिप्स नंबर थ्री, अगर आप अंकुरित दालों को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो इनमें नींबू का रस मिला के फ्रिज में रखें, इससे आपका दाल फ्रेश रहेगा। टिप्स नंबर फोर, दही जमाते समय अगर दूध में थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा डाल दिया जाए तो दही 2 से 3 दिन तक ताज़ा रहता है और खट्टा नहीं होता है। टिप्स नंबर फाइव, पनीर या चीज़ को कद्दूकस करते समय उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए, इससे पनीर या चीज़ चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको कुछ यूजफुल लगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।